मॉर्निंग क्लास वन स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर सिक्स द फूड। फूड फूड क्या होता है? खाना, खाना जो हम लोग खाते हैं, है ना। तो द फूड, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या खाते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कैसा हमें खाना खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, है ना। सो लेट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। Whenever we feel hungry, we eat food. Hungry मतलब भूख लगना, है ना। जब हमें भूख लगती है, hungry होते हैं जब हम भूखे होते हैं, जब हम feel मतलब महसूस करना, जब भी हमें hungry महसूस होता है तो हम क्या करते हैं, we eat food, हम खाना खाते हैं। Generally we have 3 meals in a day. हमारे पूरे दिन में, एक डे में कितने मील्स होते हैं, कितने तरह का खाना हम कितनी बार खाना खाते हैं, 3 बार खाना खाते हैं, है ना। और उन खानों का नाम क्या होता है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सुबह में जो हम खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। मतलब हम जैसे रात में बहुत देर तक सोते हैं तो एक लंबा फास्ट हो जाता है, एक हमारा लंबा उपवास हो जाता है, एक व्रत हो जाता है, जिसे हम ब्रेक करते हैं सुबह सबसे पहले खाना खा के, तो वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। लंच इन द आफ्टरनून, और स्कूल में हम लोग लंच करते हैं ना, जब बेल रिसेस होती थी तो हम लोग स्कूल में लंच करते हैं, तो दोपहर वाले खाने को हम क्या कहते हैं, लंच। और डिनर एट नाइट, और रात के खाने को, रात्रि भोज को क्या कहते हैं, डिनर, राइट। सो हम लोग दिन में 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। 3 बार हम खाना खाते हैं एक दिन में, हम उसे सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात का खाना, जिसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बोला जाता है। डू यू नो वट डज दिस फूड डू फॉर अस, आपने कभी सोचा है, हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, थोड़ी देर के बाद हमें फिर भूख लगती है हम फिर खाना खाते हैं, कि खाना करता क्या है, खाना कहाँ चला जाता है और हम खाना क्यों खाते हैं। फूड गिव अस एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़, फूड से हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है एनर्जी। हमें ऐसे एकदम, हम यहीं खाना खाते तो हमें ऐसे लगता है ना कि हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, हम लो फील करने लगते हैं, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें एकदम से एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आती है, और हम क्या कर पाते हैं फिर, डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग काम कर पाते हैं, हम खेल पाते हैं, कूद पाते हैं, बात कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो सब काम करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। फूड गिव अस एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। और दूसरा फूड क्या करता है, फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, इट बिल्ड्स अवर बॉडी। सिर्फ हमें एनर्जी मिलती है, नहीं, खाना हम खाते हैं इसीलिए हमारी सेहत अच्छी बनती है और हम बढ़ पाते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना, अगर हम कमज़ोर होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इनका खाना पीना अच्छा नहीं है, कि मतलब ये अच्छे से खाना नहीं खा रहा है तभी इसकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। जैसे पौधा होता है, एक पौधे को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, क्या वो खाना खाता है, नहीं। पौधा क्या लेता है, उसको पानी देते हैं हम, उसे सनलाइट मिलती है तो वो ग्रो करता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी को, हम लोगों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को फूड चाहिए, इससे हमारे मसल्स बनते हैं, प्रोटीन मिलता है तो हमारी बॉडी बनती है। फूड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस, इट कीप्स अस हेल्दी। और तीसरा, फूड से हमें क्या फ़ायदा होता है, खाना जब हम खाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, बहुत सारे इसकी मिनरल वैल्यूज़ होती हैं हर खाने में, तो उससे हमें जो डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने की क्षमता मिलती है। तो फूड प्रोटेक्टर्स अगेंस्ट डिजीज़, वो हमें बीमारियों से भी बचाता है, इट कीप्स अस हेल्दी। और कैसे बचाता है, क्योंकि हम हेल्दी हो जाते हैं, हमारा शरीर मजबूत होगा तो हमारे, देखो आपने देखा होगा, जो बच्चा हेल्दी है, अच्छी सेहत है, वो कम बीमार पड़ते हैं, है ना, एक्टिव बच्चे जो होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से खाना नहीं खाते हैं प्रॉपरली, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो उन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, उनको डिजीज़ आसानी से लग जाती हैं, क्योंकि वो डिजीज़ क्या होते हैं, कोई भी वायरस होता है, कोई बैक्टीरिया होता है, वो देखता है ये वीक है तो वीक के ऊपर वो इजीली अटैक कर देते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रांग होंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, जैसे मम्मा कहती है कि हेल्दी खाना खाने को, अगर हम अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे तो हम स्ट्रांग होंगे, और स्ट्रांग बच्चे को कोई भी डिजीज़ इजीली अटैक नहीं करती है। वी शुड प्रैक्टिस गुड फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी, हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी रहने के लिए
गुड फूड हैबिट्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब कुछ खाना खाने की भी कुछ आदतें होती हैं कि हमें खाना तो खाना है, लेकिन खाना कैसा खाना है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं? फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स खाना खाने वाली आदतें, तो वो भी अच्छी होनी चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ए मील। हम लोगों को खाना खाने से पहले और बाद में हमें अपने हाथ धोने चाहिए, है ना? हाँ, सब कहते हैं ना, मम्मा भी कहती है और टीचर भी बोलते हैं कि खाना खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। और जब से कोविड आया है, कोरोना वायरस आया है, तो सब बोलते हैं कि अपने हाथ हमेशा साबुन से धो। वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली। हम लोगों को खाना प्रॉपरली चबाना चाहिए। ऐसे नहीं खाना जल्दी 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 खेलने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। नो, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो सारा खाना ऐसे ही साबुत साबुत चला जाएगा और हमारे पेट को, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे पचाने के लिए, और उस खाने का उतना हमें फ़ायदा भी नहीं मिलता है ना। वी शुड नॉट वेस्ट फूड। हम लोगों को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना? हम लोगों को खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना खाना खाना है उतना ही डालो। अगर किसी ने आपको ज़्यादा खाना डाल के दे भी दिया है तो उन्हें बोलो कि मैं इतना नहीं खा पाऊँगा और मेरा खाना कम कर दो, है ना? जितना आपको खाना है उतना ही लो। अगर कम ले लोगे तो आप दोबारा ले सकते हो उसको, है ना? कम मान लो ले लिया आपने तो हम बोलोगे अरे और दे दो थोड़ा, लेकिन अगर हमने ज़्यादा खाना ले लिया तो हम उसे कम नहीं कर सकते। वी शुड नॉट टॉक, रीड और वॉच टीवी वाइल हैविंग अ मील। खाना खाते हुए हमें ना बात करनी चाहिए, ना रीड करना चाहिए और ना हमें टीवी देखना चाहिए। उससे हमारा क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, हम कहीं और ध्यान देते हैं। तो इसीलिए हमें खाना आराम से बैठकर खाना चाहिए, कभी भी बात नहीं करना चाहिए बीच में, और कुछ और रीडिंग नहीं करना चाहिए, ना टीवी देखना चाहिए। वी शुड हैव आवर मील्स एट फिक्स टाइम्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें खाना हमेशा फिक्स टाइम पर खाना चाहिए, है ना? अगर हम फिक्स टाइम पर खाना नहीं खाते तो हमारा रूटीन ख़राब हो जाता है, है ना? अगर हम ब्रेकफास्ट सही टाइम से नहीं करेंगे और अगर हम लंच सही टाइम से नहीं करेंगे तो हमारा सारा का सारा बॉडी जो है वो ख़राब हो जाता है, राइट? वी शुड ईट व्हाट आवर पेरेंट्स ऑफर। हमारे पेरेंट्स जो हमें खाना बोलते हैं खाने को, हमें वही खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है, है ना? तो हम लोगों को वो खाना खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट कवर्ड फूड। हम लोगों को हमेशा ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए, है ना?